तो बच्चों स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप सीख रहे हैं गणित पढ़ना। ठीक है, क्लास फोर का गणित है, फाइव में भी वही सवाल दिए गए। ठीक है, तो हम फोर फाइव इसलिए कॉमन रूप में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप सीख चुके हैं एलसीएम निकालना। जो एलसीएम ने आपने तीन विधियों से आपने एलसीएम निकालना सीखा था, मल्टीपल मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लास्ट में आपने सीखा था डिवीजन मेथड, सीखा। इसी प्रकार से अब हम सीखने वाले हैं एससीएफ। क्या सीखने वाले हैं? एससीएफ। पहले तो आप उसके नाम से एक बार फिर परिचित हो जाओ। शुरुआत की क्लास में हमने इसके नाम को अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन एक बार उसको हम रिवाइज करा दें। ठीक, देखिएगा डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, एससीएफ होता क्या है। जो आपने एलसीएम में पढ़ा था आप थोड़ा उसको उल्टा कर दो। एलसीएम में हम एक संख्या निकालते थे, एक संख्या निकालते थे और संख्या हमने बताई थी छोटी छोटी संख्या है, जो जितनी भी संख्याएं आपको दी जाती थी दो या तीन, वो सबके पहाड़े में वो संख्या आती थी। ये तो पढ़ा आपने, यानी वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, दी गई संख्याओं से विभाजित हो, जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ हम क्या निकालेंगे, वहाँ हमने बोला छोटा से छोटा या छोटी से छोटी, यहाँ बड़ी से बड़ी। बात को समझने की कोशिश करें, ठीक, और एक दूसरे से लिंक करें कि एससीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। लिंक करने का मतलब होता है जोड़ें उन्हें और उनकी जो उनमें डिफरेंस है, अंतर है, उन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बताने वाले हैं आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित होंगी, वहां दी गई संख्याओं से विभाजन था और यहां दी गई संख्याएं ही खुद विभाजित होंगी। ठीक, तो ये है परिभाषा हमारी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हों, वह संख्या ही हमारी मासा या एससीएफ कहलाती है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसी को रटाते रहें तो कभी आप एससीएफ थोड़ी सीख पाएंगे। एससीएफ कब सीख पाएंगे? जब हम इसको विद एग्जाम्पल आपको कराएंगे कि ऐसे करना है, तब आप समझ पाएंगे हाँ ये संख्या यहाँ बताई जा रही थी वो ये संख्या है। ठीक, ये तो इसकी परिभाषा होगी, डेफिनेशन। अब इसके नाम देखिएगा, मासा कह दिया करेंगे तो इसको समझेगा महत्तम समापवर्तक। वहाँ आपने पढ़ा था लघुत्तम समापवर्त्य, क्योंकि वहाँ थे मल्टीपल और यहाँ है फैक्टर। ठीक, तो यहाँ समापवर्तक है, नाम में थोड़ा अंतर है। समापवर्तक होते हैं फैक्टर, समान फैक्टर जो हर जगह मिले। ठीक, समान धन अपवर्तक पहले ही पढ़ाया था हमने, ऐसे गुणनखंड जो सभी के घर में हो, तो वही समान कहे जाते हैं, कॉमन, कॉमन मल्टीपल। कॉमन सी बात है ना, सभी स्वेटर पहने बैठे तो ये कॉमन बात हो गई, तो वैसी चीज यहाँ चलने वाली है। तो मासा की जो हिंदी हुआ करी महत्तम, महत्तम का मतलब होता बड़े से बड़ा। जैसे अभी क्लास को पूरा हम खड़ा करें तो एक लड़का या लड़की ऐसी भी होगी जिस क्लास में सबसे ज़्यादा बड़ी या लंबी होगी, होगी नहीं होगी, तो अब उसके बारे में सीखने वाले। दूसरा नाम इसका इंग्लिश में है एससीएफ। हम एससीएफ अगर कोई बोल रहे या हम बोल रहे या आप बोल रहे तो आप इसका मतलब समझेंगे, एच से हाइएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहाँ था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ रहे हो? वहाँ था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट होता है छोटे से छोटा, हाईएस्ट होता है बड़े से बड़ा। ठीक, और एक दूसरा नाम भी इसका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप ये कहो हमें तो हमेशा एससीएफ या एलसीएम या लासा मासा पढ़ते रहे साहब, हमने ये नाम तो कभी पढ़ा ही नहीं, जीडीसी, वो जीसीडी, जी सी डी, ये नाम कभी पढ़ा ही नहीं। कभी कोई आपसे कह दे भैया इन संख्याओं का जी सी डी निकाल के बताओ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ, फिर ये नहीं होना चाहिए हमने नहीं पढ़ा था। आप कहेंगे हाँ मैं आता है, पूछिए, हमने पढ़ा है। ये एस सी ए भी तो होता है नाम, ये भी है इसका, एक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी नाम है और ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये सब एक ही आदमी के नाम है। आम में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके दो दो तीन तीन नाम होंगे, होंगे नहीं होंगे, दो नाम तो कॉमन सी बात है, हम लोग रख ही रख लेते हैं। इसने अपने तीन नाम रख लिए, तुमसे एक ज़्यादा, तुमसे एक ज़्यादा, देखो सबने हाथ उठा दिया साहब, दो दो नाम सबके हैं, लो तीन नाम वाला भी बैठा कोई, तो भैया इसके भी तीन नाम है, इसके भी तीन नाम है। ठीक है,
महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये नाम हो गए, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब देखिएगा कि इसको पता करने के लिए हमारे पास तर्कस में तीर कितने होंगे या हमारी बंदूक में कारतूस कितने होने चाहिए जिससे हम SCF निकाल पाए। हमारे पास कम से कम 3 तीर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। यानी 3 तरीके हमारे पास ऐसे कम से कम होने चाहिए जिससे हम SCF फाइंड कर पाया करेंगे। तो हमारे पास कम से कम 3 तरीके होने चाहिए जिनसे हम SCF फाइंड कर पाएंगे। नंबर 1 है हमारा केवल फैक्टर मेथड। और फैक्टर जब हमने शुरू में पढ़ाया था तो हमने सब बताया थे, फैक्टर मल्टीपल पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल से मतलब होता है किसी नंबर की टेबल, और वो नंबर किसकी किसकी टेबल में आते हैं वो फैक्टर बताया था। ठीक, और दूसरा है हमने एलसीएम में भी पढ़ाया आपको प्राइम फैक्टर मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा होगा हमारा डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। 3 विधि से हमने एलसीएम भी निकालना सीखा और 3 ही विधि से हम SCF निकालना सीखने वाले हैं। आज सीखेंगे हम केवल फैक्टर मेथड से, 3 क्लास इसके लिए जाएंगे, रिवीजन चलेगा आपका लगातार जिससे आप क्लियर सीख पाएंगे। तो पहली क्लास हमारी आज है फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से SCF निकालना। ठीक, तो ये सब हमने आपको बता दिया, आप शुरू करते हैं कि आखिर SCF हम निकालें कैसे। समझिएगा, छोटी छोटी संख्याएं लेके चलेंगे और आप समझ पाएंगे। हमने ये ले लिया, मान लीजिएगा 6 ले लिया, 18 ले लिया और 30 ले लिया। ठीक, दूसरी बात SCF कभी भी 30 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ा होने से मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या कभी इसकी SCF नहीं हो सकती। 6, 18 और 30 में कभी भी SCF इनमें से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। छोटी संख्या हो भी सकती है, सबसे छोटी वाली संख्या इसकी SCF हो सकती है। ठीक, और इस संख्या से बड़ा इसका कोई SCF हो नहीं सकता, ये भी ध्यान रखें। और कभी कभी कुछ संख्याओं का SCF कोई भी नहीं निकलेगा, 1 निकलेगा। तो वो हमने आपको सहअभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी, को प्राइम नंबर, जिन संख्याओं का SCF 1 निकला करेगा वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाया करेंगी या को प्राइम नंबर। वो हमने आपको जब नंबर पढ़ाए थे उसमें अच्छे से बता दिया था। चलिए इनका हम SCF निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? फैक्टर मेथड से। अभी समझ में आ जाएगा। तो हमें लिखना क्या, हमें यहाँ ये लिखना है कि भैया 6 किसके किसके पहाड़े में आता है, बस वो नंबर लिखने हैं। 6 किसके 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 पहाड़े में आता है, ये नहीं लिखना 6 का पहाड़ा। हाँ, सबसे पहले आप 1, 2 और 3 और 6 कोमा लगा के लिखेंगे, गुणा नहीं लगाएंगे बीच में। गुणा कब लगाया करेंगे? जब ये करेंगे प्राइम फैक्टर में गुणा लगेगा बीच में। ठीक है, इसमें नहीं, क्यों अगर गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे पास तो जमा में 6 ही हैं। समझ गए? पहली क्लास, जो पहली क्लास हमने पढ़ाई थी वहाँ पहुँचिए, जब हमने फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस बताया था। ठीक, अब चलिएगा 18 के पास। वे संख्याएँ लिखनी है जिनकी टेबल में, जिनके पहाड़े में 18 आते हों। 1 और 2 और 3 और और 9 और 18 के 9 तक हो गए। अब आप ये ध्यान रखना, जब आधे पे पहुंच जाओ, 18 के आधे कितने होते हैं? 9। तो सीधे क्या लिखना है? वो नंबर ही लिखना, क्योंकि अब तुम्हें कोई संख्या मिलने वाली नहीं है। तो हमने लिख लिया 18। यहाँ तक समझ भाई? ठीक, अब चलिएगा 30 के पास। ठीक, ये लिखे हमने 30। हमें यहाँ भी वो नंबर लिखने हैं जिनके पहाड़े में 30 आते हों, जिनके पहाड़े में 30 आते हों। सब बात समझ रहे हैं? स्पेशली नहीं बताया जाएगा, इसलिए आप सीख लें। ठीक, 1 तो लिखना ही लिखना, चलो ठीक, और 2 3 4 है क्या? 5 भैया, 4 के पहाड़े में 30 कहाँ आते? और 6 ठीक, और देखो इसने बहुत अच्छा बताया, 10 और 15 चलो ठीक है, और क्योंकि आधे पहुंच गए तो अब कौन मिलने वाला हमें? 30।
आधे पहुंच गए तो अब ये चक्कर में रहना कि 16 17 18 20 के पार होंगे, 30 तो नहीं आती, आप ये गणित मत लगाना। ठीक, आधे के बाद सीधा जो नंबर है वो। यहाँ तक समझ में आया? Yes, हम एक दो एग्जाम्पल बताएंगे आपकी समझ में आ जाएगा। अब चलिएगा SCF। आप इसमें ये देखें कि बे गुणनखंड, हम ये बे गुणनखंड यहाँ लिखेंगे जो सबके घर में बैठे। yes, यहाँ भी वही करेंगे जो हमने वहां किया था LCM निकालने के। एक सबके पास है, चलो दो भी है और तीन भी है, ठीक छह भी है, चलो ठीक। और अब उसमें तो कोई है नहीं, इधर होगा भी तो हम उसका करेंगे क्या? सबके पास होना चाहिए। अब आप इनमें ये बताइएगा, एक दो तीन और छह में सबसे बड़ा कौन है? तो बेटा इनका SCF छह ही हो गया। ले इतनी सी बात थी, जो तब से हम ये रामायण जो पढ़ रहे थे उसका मतलब इतना था। अब आप समझिएगा इस परिभाषा को। हाँ, अब आप इस परिभाषा को एक बार फिर समझें। हमने यहाँ लिखा क्या था और यहाँ निकाला क्या? अभी हमने क्या कहा था? वो है बड़े से बड़ा नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे यानी छः से। ये नंबर बड़े से बड़ा है, इससे कोई बड़ा नंबर नहीं बना जिसके पहाड़े में 6, 18 और 30 आते हों। बताओ कोई नंबर हो 6 से बड़ा? कोई नंबर है किसी पास हो तो बताए? बेटा छोटे होंगे, छोटे होंगे, छोटे। ये छोटा 3 भी है, छोटा 2 भी है, छोटा 1 भी है, लेकिन 6 से बड़ा है? 6 से बड़ा हमारे पास नंबर नहीं है जिसके पहाड़े में ये तीनों नंबर आए। इसीलिए इसको क्या कह देते? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा या GCD, आप जो कह पाए। समझ में आ गया? Yes, समझ में आ गया? Yes, एक एग्जांपल और, इसे लिख लीजिए आप। एक एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक है? एक सिंगल वन। हमारे पास संख्याएं हैं 15, 20 और 30, ठीक। ये संख्याएं हैं, इनका हमें फैक्टर मेथड से SCF निकालना है, ठीक है? तो अभी हमने बताया था कि बे संख्याएं लिखते हैं जिनके पहाड़े में ये संख्याएं हैं, ठीक है? हम यहाँ गुणनखंड करा नहीं, और ये तो आप लिख सकते हो, छोटी छोटी संख्याएं हमने ली हैं। क्यों? क्योंकि आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, आखिर SCF होता क्या, हमें वो सीखना है। बहुत बड़ी संख्या हम नहीं लेके सिखा रहे, बहुत बड़ी संख्याओं से आप नहीं सीख पाओगे। तो लिखिए 15 की वो संख्या है जिनके पहाड़े में 15 आते हैं। एक, पंद्रह, इतना समझ ही रहे होंगे, आया समझ में? ये 15 के पहाड़े में भी 15 आते, 5 के पहाड़े में 15 आते, 3 के पहाड़े में 15 आते, 1 के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं, ठीक। उसके बाद 20, इतनी जल्दी 10 बजाने की क्या जरूरत है? सिस्टम चलेंगे शुरू से, ठीक है? एक, तीन है, चार, पांच, छह है, आठ, फिर कौन सी लिखें? अब क्योंकि आधा मिल गया तो सीधा, सबका आधा नहीं होता, जैसे अभी 15 के आधे नहीं हुए थे तो जा चक्कर मंत्री साहब जाको तो आधो ही ना फिर, तो आधा करने के पीछे मत पड़ जाना कहीं। आधा हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। सभी संख्याओं का आधा थोड़ी होगा, आधा केवल जो सम संख्याएं होंगी उन्हीं का होगा, विषम संख्याओं का नहीं। 30, बोलोगे तभी लिखेंगे, 3 के बाद 5 और 6 और 15, 20 कौन बता रहा? नहीं, क्लियर हुआ? चलिए आप ये SCF यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना था हमको समापवर्तक, यहाँ लिखना था समापवर्तक। SCF तो बाद में लिखा जाता है। समापवर्तक मतलब ऐसे गुणनखंड जो सभी के पास
समान यानी कॉमन, कॉमन फैक्टर भी लिख सकते थे इसको, क्या लिख सकते थे, कॉमन, कॉमन फैक्टर। ठीक, अब कॉमन फैक्टर हमारा एक है, एक है, एक है और तीन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, पांच सभी में है। कोई बेटा और है? हाँ, तो पांच सभी के पास कॉमन है और इसके बाद पंद्रह है क्या, यहाँ है, यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं है। तो हमारे पास केवल बेटा दो ही नंबर निकल के आए। ठीक है, तो एचसीएफ कौन होना चाहिए, पांच। ये तो हमारा समापवर्तक या कॉमन फैक्टर है, इनमें से बड़े से बड़ा नंबर हमारा क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ पांच। आ गया समझ में? आ गया समझ में? हम आपको होमवर्क दे देंगे, क्लास वर्क दे देंगे, ये बार आप खुद करेंगे, समझ में आ जाएगा। जिसके ना समझ में आए हमसे पूछना। ठीक, तो इस क्लास में हमने एचसीएफ को फैक्टर मेथड से निकालना सीखा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।